बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। आई एम मायरा अहमद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आई विल डिस्कस ईएनटी गाइडलाइंस फ्रॉम डिंगरा एडिशन 7। एज ईएनटी हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन 1 ईयर, सेक्शन 2 नोज एंड सेक्शन 3 थ्रोट। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने 2 सेक्शंस किए, सेक्शन 1 ईयर एंड सेक्शन 2 नोज। उसके बाद हम सेक्शन 3 कर रहे हैं, ठीक है, थ्रोट। उसकी गाइडलाइंस मैंने आपको पिछले वीडियोस में मार्क करवाई हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लेरिंग्स तक जो है उसकी गाइडलाइंस थ्रोट की मार्क कर ली हैं। अब हम करते हैं सेक्शन 6, थायराइड ग्लैंड एंड इट्स डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये जो सेक्शन है और ये जो थायराइड ग्लैंड चैप्टर है उसके डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसको आपने कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। ठीक है, एमसीक्यू 1-2 इसमें से एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, बाकी आपने कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, वाइवा में कभी कभार पूछ लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 66। ठीक है, ये आपने वाइवा एमसीक्यूज के लिए आपने इसको तैयार करना है। जैसे कि सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है, ठीक है, मतलब इसके कितने लॉब्स हैं, इसे कितना जो है वो इसका मास है, ठीक है, कितना इसका वेट है। ठीक है, तो इसको आपने रीड करना है। ठीक है, कैप्सूल ऑफ थायराइड, इसको जस्ट आपने रीड करना है। पोस्टीरियर सेंसरी लिगामेंट या बैरिस लिगामेंट क्या होता है, ये वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आपने एज अ वाइवा जो है इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, देन इसमें कौन कौन सी नर्व जो है इसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, जो जो मैंने हाईलाइट किया हो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने उनको जो है वो कर लेना है। ठीक है, वहाँ से गो थ्रू हो जाना है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, आर्टरीज जो है वो कौन सी सप्लाई करती है, मेन आर्टरी जो सप्लाई करती है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, ये हो गया, वेन्स हो गई। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, बेसिकली ये चैप्टर है ही एनाटॉमी जो है इसकी वो एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए। ठीक है, कोई एसीक्यू नहीं है, बाकी ये सारा कुछ जो है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें से जो करने वाला है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, वो है आपके पास थायराइड जो है सिस्ट। ठीक है, थायराइड सिस्ट जो है, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है, उसके नाम से भी थायराइड सिस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट एसीक्यू है आपका। ठीक है, इसको आपने जो है वो तैयार करना है। ठीक है, इसका एमसीक्यू जो है वो हमें आया था। ठीक है, कि इसको क्या आप करवाएंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम इसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो करवा लेते हैं। ठीक है, सिस्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 4 एमसीक्यूज थे। तो ये हमें जो सिस्ट होती है फ्रॉम द एफएनएसी, ठीक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी शुड बी डन फ्रॉम द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द सिस्ट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू आया था हमें प्रॉफ में, इसलिए इसमें से जो है ये एमसीक्यू है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये फ्लो चार्ट आपने इसका इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए, आपने इसको कर लेना। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू वाले पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट किए वो कर लेने हैं, और ये वाला जो थायराइड सिस्ट वाला टॉपिक है ये आपने करना है। ठीक है, चलें जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सेक्शन 7 है, डिजीज ऑफ इसोफेगस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका जो चैप्टर है, चैप्टर 67, ठीक है, चैप्टर 67 है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी और वाइवा के लिए भी। ठीक है, जैसे अप्लाइड एनाटॉमी, इसको आपने रीड करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, इसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, मेजरमेंट इसकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। ठीक है, ये आपका, ये आपने अच्छे से कर लेना है। इसकी जो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रिक्शंस कहाँ काम पर होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसको आपने वाइवा के लिए भी तैयार कर लेना है और एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है। नर्व सप्लाई कौन सी है, ठीक है, फ्रॉम वेगस नर्व होती है। इसकी फंक्शंस क्या है, फिजियोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है, कौन सा अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे स्टार्ट होता है, लोअर कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने वाइवा और एमसीक्यूज के लिए इस चैप्टर को करना है। अब आते हैं चैप्टर 68 है, डिसऑर्डर्स ऑफ एसोफेगस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना है एमसीक्यूज के लिए भी और एसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, सबसे पहला जो है एक्यूट एसोफेजाइटिस, इसको जस्ट आपने रीड करना है। ठीक है, कैसे होती है इन्फ्लेमेशन एसोफेगस की, ठीक है, क्या क्या उसके कॉजेज हैं। देन परफोरेशन ऑफ एसोफेगस है, इसको आपने जो है वो रीड करना है। ठीक है, कौन सा सिंड्रोम जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, बुरहाफ सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो इसका डायग्नोज किस तरह से करना है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, हेमन साइन क्या होता है,
इसका ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है क्रूसिव बर्न्स ऑफ एसोफेगस, ठीक है, एसिड और अल्कलेज और अदर केमिकल्स, ठीक है, वो जो कॉज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कौन से जो होते हैं बर्न्स जो हैं वो मोर पेन कॉज करते हैं, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है, कैसे इवेल्युएशन करनी है, देन कैसे आपने उसको मैनेज करना है. हिएटस हर्निया, जस्ट आपने इसको रीड करना है, ठीक है. बिनाइन स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है. इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ठीक है, एसीक्यू के तौर पे इसको तैयार कर लेना है आपने. इसका ट्रीटमेंट प्लमर विंसन पेटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू है. ये एसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वाइवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये आपने रट लेने हैं, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशेंसी, एनीमिया, ग्लोसाइटिस, ठीक है, ये. और किन को मोस्टली इन्वॉल्व जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है. इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ट्रीट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका एसीक्यू कवर होगा. ग्लोबस या फिर हिस्टेरिकस फ्रिंजस, फ्रिंजिस जो होता है वो क्या होता है, मतलब इस तरह से फील होता है जैसे कोई लंप हो थ्रोट में, ठीक है, तो ये आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है. मोटिलिटी डिसऑर्डर्स क्या, हाइपर मोटिलिटी, हाइपो मोटिलिटी, कौन से डिसऑर्डर्स है, इसको आपने रीड कर लेना. इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एकलेजिया, ठीक है, कार्डिक एकलेजिया इंपॉर्टेंट एसीक्यू है. इसमें दो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इस टॉपिक में. एक है जो इसका डायग्नोसिस है, ठीक है, जब आप रेडियोग्राफी करवाते हो तो आपको नैरोड रेड टेल लोअर एंड मिलता है, ठीक है, और साथ में जिसे हम लोग कहते हैं बर्ड बीक अपेयरेंस, ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है. तो इस चैप्टर में आपने यही तैयार करना है, बाकी आपने जस्ट रीड करना है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. और ये जो है शेड स्काइज रिंग क्या होती है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है. कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कब होती है, किस एज में होती है, ठीक है, तो ये एमसीक्यू है आपका. चलें जी, बाकी हम चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 69 डिस्फेजिया, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है. डिस्फेजिया होता है क्या, ये आपको पता हो. डायनोफेजिया क्या होता है, बस ये पता हो, ठीक है. क्या कॉजेज है उसके, इसको जस्ट आपने रीड करना है इस चैप्टर को. एक पेज का चैप्टर है, ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको आपने रीड कर लेना. चैप्टर 70, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेन बॉडीज ऑफ फूड पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बड़ा अच्छे से आपने करना है, ठीक है. कौन कौन सी फॉरेन बॉडीज हो हैं और कौन सी कहाँ पे लॉज होती हैं, ये सारी उसकी साइड्स आपने रीड करनी है. टॉन्सिल, ठीक है, ये हमारा एमसीक्यू आया था हमें. शार्प जो फिश बोन या नीडल होती है वो टॉन्सिल, ठीक है, इसमें जो है वो टॉन्सिलर क्रिप्ट जो है वहाँ पे जाके डिसलॉज हो जाती है, ठीक है. बेस ऑफ टंग जो होती है वहाँ पे कौन सी होती हैं, ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं. पिरिफॉर्म फोसा जो है वहाँ पे लॉज कौन सी होती हैं, ठीक है, और किस तरह से उसको रिमूव करना है, ठीक है, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है. एसोफेगस में कौन सी होती हैं, ये मैंने साथ साथ सारे पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे और आप आसानी से कर लें इनको, ठीक है. तो ये सारे जो है ये हो गए, और साथ में इनकी क्या है, इटियोलॉजी है, ठीक है. इटियोलॉजी किस एज में है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होता है ना, तो ये आपने इटियोलॉजी करनी है. साइट ऑफ लॉजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी, कहाँ कहाँ पे साइट है, और जो कॉमन साइट है वो होती है बिलो द क्रिकोफ्रेंजल स्फिंक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका. क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ये फॉरेन बॉडीज, ये सारी डायग्राम्स, ठीक है, ये ओस्पी में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं ये वाली डायग्राम्स, ठीक है. ये कॉइन जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये डिसलोज है, ठीक है, ये फॉरेन बॉडी है, इधर से लेटरल व्यू है उसका, ठीक है, तो इस तरह से व्यूज़ भी पूछ लेते हैं वाइवा में, तो आपने इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है. इसके अलावा जो है इसमें क्या आपको, मतलब सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा, ठीक है, ये सारा आपने करना है. साइंस इसके, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन मैनेजमेंट बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है. और ये आपने जो है डायग्राम फिर ओस्पी के लिए तैयार करनी है. फिश बोन इन द एसोफेगस, ठीक है. फॉरेन बॉडी जो होती है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये आपने नेम्स कर लेने, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है. डिस्क बैटरीज ये आपने जो है एमसीक्यू के लिए करना है, ठीक है, जस्ट एमसीक्यू के लिए इसको रीड करना है. जो आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल एसोफेगोस्कोपी जो होती है इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका डिफरेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने टेबल करना है साथ में. यहाँ पर जो है हमारा डिसऑर्डर्स जो हैं वो एसोफेगस के वो भी कवर हो गया. जो सेक्शन 8 है, रिसेंट एडवांसेस, ठीक है, लेज़र सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू डू, तो इसको, इनको आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं.
यहाँ तक जो है वो हमारी ईएनटी की जो है वो गाइडलाइंस जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक हमारी ईएनटी की गाइडलाइंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSP pictures are added in high resolution to help you ace your OSP exams. Besides this series for SCQs and OSP, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here and thank you.